हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार आदाब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफे स्टडी स्टूडियोज़ चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी और आज हम लोग का जो टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ बता दें कि आपकी ये जो सीरीज चल रही है वो फोर्टी डेज़ की कैटेगरी में ही चल रही है इसके अलावा अभी सात बजे आप लोगों का लाइव करेंट अफेयर्स का सेशन होगा जहाँ पर आपको स्टार्टेक एंड प्रॉपर एनालिसिस वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं सेकेंडली आपके दो स्पेशल क्लासेज हो रहे हैं एक क्लास हो रहा है साढ़े बजे एक हो रहा है दोपहर में दो बजे साढ़े दस के क्लास में जनवरी टू जुलाई तक का टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का करेंट अफेयर्स कवर हो रहा है और दोपहर में दो बजे वन थाउजेंड एस एस सी के क्वेश्चन की सीरीज चल रही है तो इन दोनों को मिस मत करिएगा क्योंकि ये करंट अफेयर्स आपका यूपीएससी से लेकर रेलवे तक सबको कवर करेगा चाहे फिर वो कोई भी एग्जाम का कोई भी सेक्शन क्यों ना ठीक है चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की और जो आज का टॉपिक है वो आपका यहाँ पे जुड़ा हुआ है किसके साथ में स्पोर्ट्स के सेक्शंस के ठीक है देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हु इज नोन एज द फादर ऑफ ओलंपिक गेम्स यानी कि जो ओलंपिक गेम्स अभी प्रेजेंट टाइम में हो रहे हैं टोक्यो के अंदर अगर उसके जनक की बात करी जाए यानी कि जो मॉडर्न वाले ओलंपिक गेम्स हैं उनकी बात करी जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पेडी कॉबर्टेन आप मुझे आंसर करके ये बताओगे कि जो ओलंपिक कमेटी बनाई गई थी ये कौन से ईयर में बनाई गई थी डेट मैं आपको बता रही हूँ ईयर आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओगे क्योंकि ट्वेंटी थर्ड ऑफ जून जो है इसी को हम इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट अभी प्रेजेंट टाइम में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है थॉमस बाच हैं और अगर कहा जाता है कि इसके अंदर जो बिहेवियर कमेटी बनाई गई है उसके हेड कौन है तो की मून जी को भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया अगला सवाल हु हैज़ होल्ड द रिकॉर्ड इन हंड्रेड मीटर रेस इन ओलंपिक हंड्रेड मीटर रेस में अभी आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें हिमा दास की है ना तो हिमा दास का जो नाम है वो 400 मीटर में भी आता है तो अभी वो क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं तो इसमें रिकॉर्ड की बात करी जा रही है कि जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम पर है तो आंसर क्या हो जाएगा ओस्यान बोर्ड सबसे कम समय में इन्होंने इस रेस को पूरा किया है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आप जानते ही होंगे ये अफ्रीका की कंट्री से बिलोंग करते हैं और इम्पोर्टेंट आप मुझे आंसर करके ये बताएंगे कि केनिया से हैं या युगांडा से हैं या फिर तंजानिया ऐसा है। ये थोड़ा ज्यादा मैंने बता दिया चलो इसका आंसर करके बताइएगा ये तीन कंट्रीज का नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इन तीनों के बीच में आपको लेक विक्टोरिया की लोकेशन देखने को मिलती है ठीक है नेक्स्ट हु होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ विनिंग द हाईस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक्स किसके नाम पे ये खिताब है भाई जिसने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स जीते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा माइकल फिलिप के नाम पे ये खिताब है और आपको मालूम होना चाहिए कि ये कौन एक अ स्विमर ठीक है नेक्स्ट देखिए द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आई का जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ पर या कौन से शहर में देखने को मिलता है तो ये दुबई के अंदर लोकेटेड है अगर आपसे पूछा जाता है कि दुबई कहाँ पर है यू के अंदर है इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी अबू धाबी इसकी कैपिटल हो जाएगी नेक्स्ट पॉइंट आई की बात करोगे तो इन्होंने तीन साल के लिए टाइप किया हुआ है किसके साथ में बाय के साथ में और आईसीसी के जो मैचेस होने हैं टी ट्वेंटी वाले जो इंडिया में होने थे इसको भी अभी कंडक्ट किया जाएगा कहाँ पे दुबई के अंदर इसको खेला जाएगा आईपीएल के जितने बचे हुए मैचेस हैं सितंबर 2021 से ये सारे के सारे मैचेस कहाँ पर होंगे दुबई यानी कि ये आपके यू के अंदर ही कंडक्ट किए जाएंगे अगला वॉट इज द ऑफिशियल डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस मैराथन रेस में टोटल कितना डिस्टेंस होता है जो आपको दौड़ना पड़ता है ये क्वेश्चन अभी देखो रेलवे के अंदर पूछा गया था जब फेज सिक्स वाले क्वेश्चन चल रहे थे जब वो आ रहा था उस टाइम पे सवाल आया था तो ट्वेंटी होता है जो आपको ट्रैवल करना होता है अगला वॉट इज द लेंथ ऑफ द क्रिकेट पिच क्रिकेट की जो पिच होती है ग्राउंड में आपने देखा होगा ना जो मेन पिच होती है जहां पे खेला जाता है उसका यहाँ पे जो पूरी लेंथ है वो कितनी है तो आंसर हो जाएगा ट्वेंटी टू उसकी लेंथ हो जाएगी नेक्स्ट एम सी मेरी कॉम अब देखो आपने कल से एक नाम सुनी रहे होंगे क्या मीराबाई चानू का नाम आप सुनी रहे होंगे है ना कि इवन उन्होंने जो ईयरिंग्स पहनी हुई थी उसके अंदर भी पांच सर्कल्स बने हुए थे बड़ी ही खूबसूरत सी आ, ये जब न्यूज़ आई थी तो उसको अलग से थोड़ा रिफ्लेक्ट किया गया था तो दैट वाज अमेजिंग ओके मेरी कॉम की बात करें तो ये कौन सा स्टेट से बिलोंग करती हैं तो मीराबाई चानू एंड मेरी कॉम दोनों ही लोग मणिपुर से बिलोंग करते हैं और मीराबाई चानू जो हैं वो वेट लिफ्टिंग से जुड़ी हुई हैं और ये मेरी कॉम जो हैं ये बॉक्सिंग से जुड़ी हुई हैं मेरी कॉम टोटल छः बार क्या रह चुकी हैं वर्ल्ड चैम्पियन रह चुकी हैं और इस बार का जो ओलंपिक्स हुआ है जो भी शुरू हुआ है टोक्यो के अंदर इसमें जो फ्लैग बेर हैं यानी कि जो ओपनिंग सेरेमनी में जिसने फ्लैग को होल्ड किया हुआ है वो भी कौन है मैरीकॉम है और दूसरे कौन है वो आप आंसर करके बताएंगे हॉकी टीम के कैप्टन अगला वॉट इज़ द नेशनल गेम ऑफ बांग्लादेश बांग्लादेश का नेशनल गेम क्या है आंसर हो जाएगा कबड्डी लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ कि वॉलीबॉल वोल जो है वो कहाँ का है तो आंसर हो जाएगा नेपाल एटलीस्ट अपने कंट्री के आसपास के जो कंट्रीज हैं उनके बारे में तो मालूम होना चाहिए कि अगर सवाल बन जाए तो एटलीस्ट यू शुड नो द आंसर अगला नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ वेनेजोला वेनेजोला का नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा हो जाएगा तो इसका आंसर अच्छा यहाँ पे बनेगा बेसबॉल ये इसलिए आपको बताया गया है क्योंकि बेसबॉल की जो शुरुआत है ऐसा माना जाता है कि हुई तो अमेरिका के अंदर ही है लेकिन ये साउथ अमेरिका से हुई है और वो भी वेनेजोला से हुई थी अगला नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ अर्जेंटीना अब अर्जेंटीना की बात करोगे तो क्या हो जाएगा पाटो हो जाएगा सिंपल है लेकिन अगर आप देखें तो फुटबॉल के अंदर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है अभी कोपा कप जो हुए थे उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि जो अर्जेंटीना थी वो जीत गई थी मेसी कैप्टन थे और ब्राज़ील हारा था ठीक चलो नेक्स्ट देखिए नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ यूएस यूएस की बात करो तो अब इसमें कौन सा हो जाएगा भाई इसका आंसर हो जाएगा बेसबॉल क्योंकि शुरुआत ही यहाँ से हुई है लेकिन अगर आप रग्बी की बात करोगे तो ये किसका हो जाएगा न्यूजीलैंड का है ठीक है नेक्स्ट देखिए नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ अफगानिस्तान अब ये वो कंट्रीज हैं जो यूजुअली आप न्यूज में देख रहे हो अब अफगानिस्तान आप देख ही रहे हो तालिबान की वजह से कितना ज्यादा चर्चा में छाया हुआ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा द आंसर नेक्स्ट भूटान अभी तो छुटकूचा कंट्री है मतलब अब इनका भी नेशनल स्पोर्ट्स होने लगा और वो भी हमको पढ़ना पड़ेगा इसका आंसर आर्चरी बनेगा और आर्चरी से नाम तो याद होगा ना जिनकी रैंकिंग अभी नंबर नाइन पे चल रही है ओलंपिक्स की टेली में जरा मुझे बताइएगा कि उनका नाम क्या वो कौन सी तीन अंदाज है जिनकी अभी कुछ समय पहले यहाँ पे शादी भी हुई थी अब तो आंसर कर देना ठीक है अगला बताओ नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ श्रीलंका श्रीलंका का नेशनल स्पोर्ट्स क्या हो जाएगा तो दैट विल बी वॉलीबॉल क्या है वॉलीबॉल रहेगा यहाँ पर अगला नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ टर्की टर्की का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है तो पहले तो ये ध्यान रखो कि इसकी कैपिटल क्या, क्या हो जाएगी अंकारा और जहाँ पे ये टर्की की आपको लोकेशन मिलती है वहीं पे आप देखेंगे तो आपको दो रिवर्स मिलेंगे एक कौन सी है यूफ्रेट्स है और दूसरी कौन सी हो जाएगी टिग्रेस हो जाएगी ठीक है दोनों ही रिवर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑयल ब्रेसलिंग इज द करेक्ट आंसर नहीं सीखिए इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है अब इसका आंसर क्या करेंगे हॉकी करेंगे लेकिन आपको बता दें कि ये जो तो जगह है ये खाली पड़ी हुई है अभी हमारे यहाँ पे जो नेशनल स्पोर्ट्स डिफाइन किया जाता है उसकी जगह जो है वो खाली पड़ी है वहाँ पे कोई भी नेशनल स्पोर्ट्स नहीं रखा गया है लेकिन फिर भी अगर आपको इस तरीके से चार ऑप्शन आ जाएं तो आप आंसर हॉकी मार्क करके आइएगा बट फिलहाल फॉर इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया कि अभी ये जो जगह है ये खाली है चलो नेक्स्ट बताओ इंग्लैंड का कौन सा होगा अरे ये तो ऑब्वियस सी बात है कि क्रिकेट जो है उसका जो शुरुआत है वो यहीं से हुई होगी स्कॉटलैंड के नेशनल स्पोर्ट्स की बात करोगे तो गोल्फ हो जाएगा और गोल्फ से आपको एक नाम याद रखना है कि इस बार के ओलंपिक के अंदर जो फीमेल की कैटेगरी में या फिर वुमेन की कैटेगरी में जो क्वालिफाई करी है उनका नाम क्या है अदिति किसके अंदर गोल्फ के अंदर अगला नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ़ ईरान ईरान का नेशनल स्पोर्ट्स क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा रेसलिंग हमारे यहाँ पे क्या है मतलब हरियाणा के अंदर एंट्री लो तो हमारे यहाँ पे तो हर एक बच्चा बच्चा जो है वो रेसलिंग जानता होगा इनके यहाँ पे तो नेशनल स्पोर्ट्स है तो पता नहीं क्या हाल होगा बट हमारे यहाँ पे तो सभी लोग जानते हैं है ना नेक्स्ट देखिए व्हाट इज़ अ स्पोर्ट्स ऑफ हंगरी कहाँ का हंगरी का हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट होती है वाटर पोलो ये ये बड़ा सही गेम लगता है वॉटर पोलो इज़ द बेस्ट वन है ना चलिए नेक्स्ट बताइए नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ क्यूबा देख रहे हो सारे वही देश मैंने आपको करा दिए जो अभी रिसेंटली आपके कहीं ना कहीं न्यूज में आए हुए थे तो उन सबको कवर करा दिया इसका आंसर अच्छा क्या हो जाएगा बेसबॉल इज द राइट आंसर पढ़ना पड़ेगा सवाल अच्छा जब तक हम सवाल पढ़ेंगे तब तक सेशन को एक बार से लाइक और एक बार से शेयर कर दो तो, इतना काम कर लो ठीक है चलो देख लेते हैं इसका आंसर अच्छा क्या बनेगा इसका आंसर अच्छा हो जाएगा हॉकी ना इसमें भी चोरी करेंगे खैर नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ ब्राजील की बात करी जाए तो ये तो फुटबॉल ही होना था इसका रीजन ही था कि यहाँ पे पांच बार चैंपियन रह चुका है फीफा के अंदर तो ऑब्वियस था कि फ़ुटबॉल ही इनका क्या होगा नेशनल स्पोर्ट्स रहेगा अगला रशिया के अगर नेशनल स्पोर्ट्स की बात करें तो वो क्या हो जाएगा बैंडी हो जाएगा ठीक तो मैंने यहाँ पर आपको जितने अभी हाल ही में कंट्रीज न्यूज़ में थी उन सब का जो स्पोर्ट्स था वो मैंने आपको करा दिया उम्मीद करेंगे कि आप इसको याद कर लेंगे एंड इसके साथ में ही ये जितनी चीज़ें आपको बताई जाती हैं छोटे छोटे से भले ही सेशन होते हों लेकिन ये सेशंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा फोकस करके पाँच या दस मिनट का समय निकाल के देख लिया करें इसके अलावा आपका जो सुबह सात बजे का क्लास होता है वो लाइव एज इट इज़ होता है जैसे कि आपको मालूम ही है और इसके साथ में आपका जो नया बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है कब से अट्ठाईस तारीख से अट्ठाइस जुलाई से तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपको सारे टॉप एजुकेटर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे इसके साथ में जो बाकी एजुकेटर्स हैं आपको उनकी क्लासेस भी मिल जाएंगी आपको करना क्या अन अकेडमी ऐप पे जाना है वहाँ पर सफलता बैच लिखा होगा उस पर क्लिक करना है और आप इसको ज्वाइन कर सकते हो કોડ વો પૂછેગા આપસે 10% ડિસ્કાઉન્ટ કરને કે લિયે તો આપ કોડ વહા પે મેન્શન કર સકતે હો ક્યા પ્રદિતે બસ વો આપકા ક્યા હો જાયેગા લોગિન હો જાયેગા ઓર 28 તારીખ સે જો પ્રાઇઝિસ હે વો હાઈક હોને જા રહે હે एसएससी કેટેગરી વાલો કે લિયે સો પ્લીઝ જોઈન ઓન ટાઈમ ઠીક હે ચલીએ મિલતે હે આપ લોગો સે 7 બજે ટિલ ધેન કુશિયા મુસ્કુરાતેરી બાય બાય ટેક કેર